बसुआ क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान दौसा महापंचायत में भाग लेने पहुंचे। बांदीकुई विधायक सहित पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महापंचायत को किया संबोधित। बसुआ पंचायत समिति क्षेत्र से किसान सुबह अपने ट्रैक्टर व निजी वाहनों से दौसा पहुंचे, जहां सभा में दौसा जिले से हजारों की संख्या में आए किसानों के साथ शामिल हो गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। ये तीनों कानून केंद्र सरकार ने जल्दबाजी बनाकर किसानों पर थोपे हैं। किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सड़क पर दो ढाई महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं, सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो आयोजित की गई और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं देश में, आपने देखा है कि जो पीछे दिल्ली के आसपास जो रैलियां निकल रही थी उनको जिस तरह जो रास्ते दिए गए और फिर उन पर जो तोहमत लगाई गई, उनको आतंकवादी कहा गया और उनको पूरे देश में एक तरह से बदनाम करने की बात की गई। और अब भी आप रोज अखबारों में देखते होंगे कि दिल्ली के आसपास सड़कों पे लोहे की बड़ी बड़ी कीले लगाई जा रही हैं, वहां पे भाले लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सरकार, केंद्र सरकार डरी हुई है किसानों से। और राजस्थान में मैं समझता हूं ये पहला किसान सम्मेलन है सचिन जी के नेतृत्व में जो ठेठ दिल्ली तक आवाज जाएगी, और आप सब लोगों का जो आपका सहयोग रहेगा सचिन पायलट जी, जहां भी हम लोग वहां के लोगों में जो जज्बा है आपका, जो जिस तरह का आह्वान होगा, हम लोग सब आपके साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों ने कुल मिलाकर जो एक बात यहां रखी कि ये जो काले कानून, तीन काले कानून आप केंद्र सरकार ने लागू किए जिनसे किसान, मजदूर और मंडी के जब सभी भाई आड़त दिए, ये सारे के सारे आगे चलकर खेती और मजदूर बन जाएंगे। इसे रोकने के लिए हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और इस पूरे तीनों काले कानूनों को वापस देने के लिए हमें केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। हमने एक दूसरी बात और रखी थी कि हमारे इस पूरे ईस्टर्न राजस्थान में 13 जिलों में जो एक कैनाल की बात चल रही है, ईस्टर्न कैनाल की, वो भी हम सब लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इसके राष्ट्रीय योजना में शामिल किया जाए और हमारे 13 जिलों को पानी के लिए, पीने के लिए और खेती के लिए दिया जाए। आप सब लोग यहाँ आए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह के आप सब लोग यहाँ आए, सब लोगों ने सहयोग किया और सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब।